रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भारत में खासी चिंता है। राष्ट्रवादी इसलिए परेशान हैं कि ये ऐसे लोग जिनकी राष्ट्रीयता नहीं होगी और वो बसेंगे तो वो हिंसा आतंक का शिकार हो सकते हैं, भारत के लिए ठीक नहीं होगा। तो वो लोग जो इनको वोट बैंक बनाना चाहते हैं वो इनके पक्ष में परेशान हैं। समस्या क्या है इसको विस्तार से समझना ठीक होगा। आज से 1400 वर्ष पहले, हाँ, रोहिंग्या समस्या 1400 वर्ष पुरानी है। रोहिंग्या समस्या नहीं है, समस्या कुछ और है। 1400 वर्ष पहले मोहम्मद ने अरब में घोषणा की कि अल्लाह एक है, तौहीद की बात की। उसकी बातों को मक्का के लोगों ने, जहां का वो था, गंभीरता से नहीं लिया। बाद में उसका उत्पात बढ़ा तो लोगों ने उसे भगा दिया। मक्का से मदीना जाना पड़ा। मदीना में एक छोटी स्टेट स्थापित हो गई, संख्या बढ़ने लगी। ये चिंतन कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो क्षेत्र जहां पर इस्लाम यानी तौहीद, नमाज, रोजा, जकात और हज को मानने वाले लोग जो अल्लाह एक है मानते हैं, उसमें कोई सम्मिलित नहीं है वैसा मानते हैं, मोहम्मद को उसका पैगंबर मानते हैं, कुरान को उसकी आखिरी किताब मानते हैं, ये मानने वाले लोग, इनका जो रहने का क्षेत्र है जहां वो नाफिज हैं, यानी जहां वो हावी हैं, वर्चस्वी हैं, जहां उनका शासन है, संख्या बल का मामला नहीं है, उनका शासन है, उसे दारुल इस्लाम नाम दिया। दूसरा वो क्षेत्र जहां ऐसे लोग नहीं है और उन्हें होना चाहिए, उन्हें होना होगा, उसके लिए लगातार संघर्ष होगा, इसलिए उसे दारुल हरब यानी युद्ध क्षेत्र मोहम्मद ने नाम दिया। संसार के दो भाग, एक भाग वो जो मुसलमान है उसकी सारी व्यवस्था को मानते हैं, दूसरा वो भाग जो इसे नहीं मानते। ये लगातार का संघर्ष, अरब में छोटी सी जनसंख्या थी, इस काम को करने के लिए सेनाएं बढ़ानी थी, सेनाओं के लिए व्यवस्था चाहिए। भारत जो आज 125 करोड़ का देश है, जहां 125 करोड़ लोगों का उत्पादन होता है, उसकी व्यवस्थाएं हैं, शस्त्र श्यामला धरती है, बरसात होती है, सब प्रकार की 6 ऋतुएं यहां पर हैं, उसके बावजूद हमारी सेना की संख्या, जो तीनों प्रकार की सेनाएं, पुलिस इत्यादि सब मिलाकर है, वो 30 लाख नहीं है। 30 लाख से कम संख्या, 125 करोड़ अरब में कहां से आएंगे? इसके लिए फिर ये कल्पना की गई, ये चिंतन किया गया कि इतनी बड़ी संख्या कहीं से अगर आ सकती है विश्व में, तो ऐसी धरती भारत है, इस भारत को जीतना है। इस सपने का नाम गजवाए हिंद है, जो हदीसों में है मोहम्मद के हवाले से। गजवाए हिंद करने के लिए बाहर से कौन आएगा? आज भारत बड़ा है, मगर उस समय तो बहुत ही बड़ा था। अफगानिस्तान, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि सारा क्षेत्र इसके पास था। इस सैन्य बल से कौन टकराता? तो इसको जीतने का, इसको समाप्त करने का और यहां दारुल इस्लाम स्थापित करने का तरीका क्या होगा? वो तरीका था शुद्धि से उल्टा, यानी धर्मांतरण, कन्वर्जन, मुसलमान बनाना। संख्या बल कैसे बने? इस्लामियों ने ऐसा कई बार किया। छोटी मोटी रियासतें जिसे हम बड़ा, वो मुगल सल्तनत और ये सब इतिहासकार बताते हैं, बकवास है। दिल्ली की छोटे मोटे जमींदार थे ये, इन लोगों की सेनाएं कभी इधर उधर निकलती थी, कोई लूटपाट कर लेती थी, सारे भारत पे कभी इनका राज्य नहीं रहा। किंतु भारतीय यानी हिंदू इस सोच के नहीं थे, ये समझते कि ये क्या है। वो लगातार गजवाए हिंद के सपने पर काम कर रहे थे। आज भारत में जनतंत्र है, यहां वोट का महत्व है। जहां जहां वोट संख्या बढ़ जाएगी, वहां वहां उसका वर्चस्व होगा। इस्लाम पहले दिन से इस पर बहुत कॉन्शियस है, बड़ा जागरूक है कि धर्म और राजनीति, मजहब, दीन और दौला दोनों एक साथ होने चाहिए। यह सोच हमारे पूर्वजों को थी। महाभारत में जब भीष्म पितामह का पतन हो गया है, वो गिर गए हैं, तो उनसे शिक्षा लेने के लिए महाराज कृष्ण ने पांडवों को भेजा। उस चर्चा में यह आता है कि युधिष्ठिर से भीष्म कह रहे हैं कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, राजनीति अल्पकालीन धर्म, ये दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं। इस्लाम ने दीन और दौला को नई बात नहीं की, यह हमारे पूर्व जानते थे, मगर हम इस बात को भूल गए। हमने ध्यान नहीं किया कि आज की राजनीति
का परिणाम कल क्या होने वाला है। आज भारत में जनतंत्र है, छोटे छोटे पॉकेट्स, इस्लामी पॉकेट्स, जैसे आपकी शायद जानकारी में अवश्य हो कि कहीं भी किसी भी पोलिंग बूथ पर यदि 90% से अधिक वोट पड़ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र को बूथ कैप्चरिंग मान के वहां दोबारा पोल किया जाएगा। मगर इसका एक विकल्प है, जहां मुस्लिम पोलिंग बूथ्स हैं वहां ये विकल्प, वहां ये मान्यता नहीं है। वहां स्वाभाविक रूप से 96-97% तक, मैंने स्वयं 98% तक मुस्लिम एरिया में पोलिंग देखा है। अंधा, लूला, लंगड़ा, रोता पीटता, बूढ़ा, कैसा भी आदमी वोट डालने जरूर जाएगा। इस्लाम समझता है इसकी ताकत को। इस ताकत का परिणाम है कि आज इंग्लैंड में, लंदन के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां शरिया लागू करा लिया है उन्होंने। फ्रांस की राजनीति थरथरा रही है, यूरोप की राजनीति खराब हो रही है। डेविड कैमरून इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि हमने पाकिस्तान से अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुसलमान आयात किए। परिणाम, वो डेविड कैमरून को वोट देने नहीं आए, वो मूलतः इंग्लैंड को जीतने आए हैं, उसे दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने आए हैं। ये लगातार उनकी सोच है। रोहिंग्या मुसलमान भी यही है। गजवाए हिंद आप भारत को इस तरह से नहीं जीत सकते, तब क्या करेंगे, राजनीतिक बदलाव लाएंगे। बंगाल में वामपंथियों ने लगातार इस्लामी राजनीति की। भारत का जब विभाजन हुआ तो दो क्षेत्र कटे, पंजाब आधा कट गया, आधा बंगाल कट गया। पंजाब से जो विस्थापित आए वो लगातार इस बात को कहते थे कि हमारे साथ क्या गुजरी है, कैसा कैसा हुआ है, बहन बेटियां छीनी गईं, आर्थिक रूप से विपन्न हो गए, सब कुछ नाश हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, सब प्रकार से विध्वंस हुआ। ये बांग्लादेश के क्षेत्र में भी हुआ है। दुर्भाग्य है कि वहां का कोई लीडर इस बात को आज तक नहीं कहता। कम्युनिस्ट पार्टी जो इतने समय राज करती रही है, इसके मूल सारे जो चिंतक हैं, विचारक हैं, वो सब पूर्वी बंगाल से आए हुए लोग हैं। इन सब के साथ वही हुआ जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, पंजाब वाले पाकिस्तान में हुआ, मगर ये स्वीकार नहीं करते, चुप रहते हैं। अब उसी राजनीति दिशा में ममता बनर्जी लगी। इस्लामी दबाव क्या होता है इसे समझिए। बल्लभगढ़ में जुनैद मारा गया, एक आदमी, लड़के ने, जिसने उत्पात किया, अपने एक वृद्ध व्यक्ति पर हाथ उठाया, उसके बाद उसकी मार लग गई तो उसने हमला करने के लिए 5-7 लोग 10-20 लोग बुलाए, हमला किया, वो व्यक्ति वीर था, उसने पलट के जुनैद के प्राण ले लिए। उस जुनैद को 20 लाख रुपया ममता बनर्जी ने भिजवाया। यह है इस्लामी राजनीति, यह है दबाव की राजनीति। रोहिंग्या मूलतः भारत के हिंदू चरित्र को बदलकर इस्लामी बनाने के कार्य में लगे हुए। ये वही रोहिंग्या ही नहीं है, जहां जहां इस्लामी धर्मांतरण हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, उसका यही परिणाम हो रहा है। कृपया समस्या को समझिए, समस्या रोहिंग्या नहीं है, समस्या इस्लाम है, जो सारे विश्व को बदलने में लगा हुआ है, जो दावा करता है कि इस्लाम आखिरी दीन है, अंतिम सत्य है, इसके लिए वो सारे विश्व में काम कर रहे हैं। एक वैचारिक लड़ाई है, इस बात को समझिए, इस्लाम का अध्ययन कीजिए और फिर आप पाएंगे कि उनका यह सारा दावा सिरे से गलत है, सिरे से झूठ है। इस्लाम ऐसी जीवन शैली है ही नहीं कि जो कोई सभ्य समाज में हो सकती है, होनी चाहिए। समाज में जो विकास हुआ है, सभ्य समाज बना कैसे है? पहले तो माइटिसाइट था, जिसके पास ताकत थी वो जैसे मर्जी है वैसा करता था। सभ्य समाज ने मनुष्यों के बराबरी के अधिकार तय किए। आप राजा हैं, मैं प्रजा हूं, मैं गुलाम हूं, ऐसा नहीं है, हम सबके अधिकार बराबर हैं। इसका परिणाम जनतंत्र आया है। ये सबसे सही, निकटतम सबसे सही फॉर्म है। दूसरा, स्त्रियां पुरुषों के बराबर हैं, हम सबके अधिकार समान है, ये सभ्य समाज है, हमने इसके नियम बनाए हैं। इस्लाम का तो मूल चिंतन औरत को नाखसुलाकू, जो अकल के नाते कुंद है, मानती है। ये सामान्य बात नहीं है, इग्नोर करने वाली बात नहीं है। इसके दो उदाहरणों से बात करता हूं। खलीफा हारून अल रशीद जब खलीफा बना तो उसका मन अपने महल की एक बांदी पर आया, उसने उस बांदी को बुलवाया तो बांदी ने कहा कि मैं आपके पिता से संबंधित रह चुकी हूं, मेरा दर्जा आपकी मां का है। खलीफा बीमार पड़ गया,
उस महिला को इतना चाहने लगा। तो वजीर उसके अमीर बेचैन हुए, परेशान हुए, तो उन्होंने मुफ्ती से कहा कि इसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं फतवा दे दूंगा, ये डॉक्यूमेंटेड है, 1,00,000 दीनार लूंगा। खलीफा से कहा गया ऐसे से फतवा मिल सकता है, मुफ्ती को बुलवा लिया उन्होंने। तो मुफ्ती ने कहा 1,00,000 दीनार दीजिए, मैं फतवा देता हूं। खलीफा राजी हो गए। उस महिला को बुलाया गया तो उन्होंने उससे पूछा कि जब ये हुआ, यानी आप इनके पिता के साथ शयन कक्ष में थी, आपके संबंध स्थापित हो रहे थे, उस समय कोई और था जिसने ये देखा हो? खलीफा किसी महिला के साथ अपने बेडरूम में होगा तो वहां जाना किसी का उसे अपनी मौत बुलानी है क्या? कोई गवाही नहीं थी। तो ये नाकस उल्लाह, कुरान में है कि एक औरत की गवाही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ किसी दूसरी औरत की गवाही या किसी मर्द की गवाही होनी चाहिए। वो कोई थी नहीं, अपनी मां के दर्जे की महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करने का खलीफा को मौका इस नाकसुल अक्ल की वजह से मिला। दूसरी हाल की घटना, अफगानिस्तान में जिस समय तालिबान थे, वहां एक महिला ने 4 पुरुषों पर आरोप लगाया और थाने में रिपोर्ट दर्ज की कि उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। मेडिकल हुआ, इसमें प्रमाणित हुआ कि इसके साथ बलात्कार हुआ है, किंतु गवाही नहीं मिली। परिणाम उस महिला को बदचलन होने का दोषी करार दिया गया और उन 4 व्यक्तियों सहित सारे कबीले के लोगों ने पत्थर मार मार के उसकी हत्या कर दी। ये चिंतन प्रणाली मनुष्यता के पूरी तरह से खिलाफ है। इस चिंतन प्रणाली से सावधान होइए, इसका अध्ययन कीजिए और आप पाएंगे कि ऐसी हर बात जो इसके पक्ष में जा रही है वो केवल इस कारण जा रही है कि उनका राजनीतिक दबाव है। आपको क्या लगता है प्रशांत भूषण आपसे मुझसे कम अच्छा हिंदू है? ऐसा तो नहीं है। दिग्विजय सिंह क्या मुझसे कम हिंदू होगा? मुझसे कहीं अधिक पूजा करता होगा व्यक्ति, मगर राष्ट्रीयता उसकी संदिग्ध है। यह इस तरह से है, नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का जब देहावसान हुआ तो नेहरू जी ने बाल कटवाए, ब्राह्मण भोज दिया, पूरा उनका कर्मकांड किया, श्राद्ध किया। सावरकर जी की पत्नी का देहांत हुआ, उन्होंने केवल अंतिम संस्कार किया, कोई श्राद्ध, कोई ब्राह्मण भोज कुछ नहीं किया। हिंदू बेहतर कौन है? निसंदेह सावरकर है। राष्ट्रीयता को समझिए और इस पर आए हुए संकटों को समझिए। रोहिंग्या बहुत छोटी बात है, मूल संकट गजवाए हिंद है, मूल संकट इस्लाम है जो लगातार राष्ट्रीयता को ध्वस्त कर रहा है। उसने हमसे अफगानिस्तान छीना, उसने हमसे पाकिस्तान छीना, उसने हमसे बांग्लादेश छीना, उसने हमें कश्मीर से बाहर किया, वो आज हमें असम से निकाल रहा है, वो आज बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से हमें निकाल रहा है, वो बिहार से निकाल रहा है। दिल्ली में ऐसी स्थिति है, कल रात जयपुर में थाना घेर लिया गया, एक चालान पर इतना बवाल हुआ। एक बहुत आवश्यक बात समझने की है कि ऐसा कुछ भी हम सोचते हैं कि क्या ये पुलिस की प्रशासन की समस्या है? निश्चित रूप से नहीं है। मैं आपको कानून हाथ में लेने के लिए नहीं उकसा रहा हूं, मगर कानून की सीमाएं समझिए। 30 लाख से कम का बल देश के अंदर 25 करोड़ अराष्ट्रीय चिंतकों को संभाल सकता है? ये गली मोहल्लों की लड़ाई है। जिस समय थाना घिरा, आसपास की कॉलोनी के लोगों को थाने के लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा थाने के बाद उनका नंबर आएगा। ये घटना 25 पुलिस वालों के खिलाफ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में यह हो चुका है कि बांग्लादेश के विस्थापितों ने पूरी कॉलोनी घेर ली, पूरी बिल्डिंग घेर ली, लोग निकल नहीं सके, स्कूल बच्चे नहीं जा सके, लोग ऑफिस नहीं जा सके, दिन भर उधम मचता रहा। ये मामला रोहिंग्या नहीं है, ये मामला बांग्लादेशी मुसलमानों का नहीं है, ये राष्ट्र के अंदर अराष्ट्रीय षड्यंत्र का है। इसका हर व्यक्ति, इसका एजेंट है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों भरपूर बन जाएगा। या तो उसको वापस ले आइए, शुद्ध कर दीजिए, अपनी धारा में ले आइए, अन्यथा इसके लिए तैयार रहिए जो कश्मीर में हो, जगह जगह होगा। इसके लिए कानून हाथ में लेना पड़े तो इस बात को समझिए, कानून के साथ देकर इस स्थिति को परिवर्तित कीजिए। मेरे विचारों को आपने सुना, इसके लिए आभारी हूं। प्रणाम।